तो मुझे अपना नाम पहले बताना। हाँ, आपके नाम से इंट्रोडक्शन। या हाय, माय नेम इज़ वैशाली सागर और मैंने अपना मास्टर्स किया है इंडियन फोक डांस में अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु रोमा बैनर्जी। करंटली मेरे गुरु सुमित्रा राजगुरु जी हैं और प्रशांत बाफलेकर सर हैं, उन्हीं के गाइडेंस से ये फोक डिप्लोमा का कोर्स हमने शुरू किया था। जब कोविड हिट हुआ तो मैंने ये ऑनलाइन डिप्लोमा को शुरू किया था और ये कोर्स तकरीबन 12 मिनट में सोल्ड आउट था। आज जो आप देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग साथ में आए हैं फोक डांस सीखने के लिए। हमारे पास अमेरिका से, यूके से, बेल्जियम से, दुबई से, कनाडा से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। हमने पहले 6 महीने ऑनलाइन किया था और लास्ट जो विशारद एग्ज़ाम है उसके लिए ये सब यहाँ मुंबई आए हैं। हम लास्ट 10 दिन से करीबन 7-8 घंटे फोक डांस कर रहे हैं और आज उनकी एग्ज़ाम होने वाली है। आज जो नया रिकॉर्ड हुआ है डांस, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या मतलब होने वाला है, किस तरह तैयारी की आपने? ओके, तो विशारद एग्ज़ाम के लिए हमने 13 ताली राजस्थान से चूज़ किया, कालबेलिया राजस्थान से चूज़ किया और चेराव मिज़ोरम से। 13 ताली एक बहुत ही स्किल बेस्ड डांस है, इसको समझने में सीखने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, पर इन्होंने 2.5 महीने में इसको मास्टर करने की कोशिश की है। इस पर्टिकुलर डांस में मंजीरा जो बोलते हैं पूरे शरीर पे बंधे हुए होते हैं और ताल में बजाते हैं, तो वो आज आप देखेंगे। चेराव मिज़ोरम का बहुत ही पॉपुलर फोक डांस है जो हम सब बैम्बू डांस के नाम से जानते हैं। इसमें बैम्बू के बीट्स प्ले होते हैं और डांसर्स उन बैम्बू को खुलते बंद होते हुए में डांस करते हैं, तो वो भी एक बहुत ही चैलेंजिंग फोक डांस है। और कालबेलिया राजस्थान से है, ये राजस्थान के जो सपेरे कम्युनिटी है उनका फोक डांस है, बहुत एक्रोबैटिक होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, तो वो भी आपको आज देखने मिलेगा। रमानंद सागर जी की एजेंसी को आगे लेके जाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ग्रैंड डॉटर इन लॉ ही बोलूँ ना? हाँ, रामानंद सागर जी की ग्रैंड डॉटर इन लॉ होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इटसेल्फ है। इतने बड़े कल्चरल फैमिली, मैं वापस बोलती हूँ, ओके, रामानंद सागर जी की डॉटर इन लॉ होना ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी है। इतनी ज़्यादा कल्चरल फैमिली को बिलोंग करना इज़ अ प्रिविलेज एंड ये मेरी खुशनसीबी है कि हम हमारा इंडियन कल्चर एज अ बहू ऑफ रामानंद सागर आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ, पूरी दुनिया में फोक डांस को अवेयर करवा रही हूँ, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम वापस अपने रूट्स को आएं, हम वापस समझें कि हाउ वी आर सपोज टू लिव, व्हाट इज़ आवर कल्चर, हाउ ब्यूटीफुल आवर कंट्री इज एंड हाउ मेनी वेरिड स्टाइल्स देयर आर व्हिच शुड बी लर्नड एंड प्रमोटेड। ऑनेस्ट ओपिनियन दे दूँ, काट नहीं दोगे? रियलिटी डांस शोज इज़ अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म फॉर अ डांसर, फॉर अ कोरियोग्राफर, आपको पूरी इंडिया में फेमस कर देते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डांसिंग कम एक्रोबैट ज़्यादा हो चुके हैं, तो इफ़ दैट कुड बी अ गुड बैलेंस वेयर इट शुड बी मोर डांस एंड लेस सर्कस लाइक, देन आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी प्लीजिंग परफॉर्मेंस टू वॉच। हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन ओवर 27 इंटरनेशनल फोक डांस फेस्टिवल्स। आप बता लीजिए टर्की, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, जस्ट टू नेम अ फ्यू। हम हर साल जाते हैं, इस साल अब अभी हम 3 मार्च को जा रहे हैं इटली टू रिप्रेजेंट आर कंट्री। दैट ट्रूप विल बी 14-18 year old गर्ल्स, तो हमारी कंट्री को लेकर हम वहाँ जा रहे हैं। विद दिस ग्रुप वी आर परफॉर्मिंग ऑन द 8th of January एट NCPA। वहाँ पर फोक स्टाइल्स होंगी लावनी, 13 ताली, कालबेलिया, खोड़िया और घंटू। अदर कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, अपना जो कल्चर है। इनफैक्ट इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करना इज़ नॉट अ चैलेंज एट ऑल। द मिनट हमारी टीम एंटर करती है लोग हमसे प्यार करने लगते हैं। हमारे कॉस्ट्यूम्स, हमारी स्टाइल्स, हमारी एक्सप्रेशंस इज सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि प्यार इंस्टेंटली मिल जाता है। जब हम फेस्टिवल से वापस आते हैं थोड़ा सुपरस्टार कॉम्प्लेक्स लेके वापस आते हैं, बिकॉज इतना प्यार हमें यहाँ भी नहीं मिलता। सो टू रिप्रेजेंट इंडिया अब्रॉड इज ब्यूटिफुल, वी आर वेरी लव्ड। फॉलो कर रही है
ये मुझे बहुत अच्छे से बोलना है, इसको बंद उर्दू बड़ा मैसेज है, रुक जा बहुत। हाँ, मेरा एक मैसेज है फॉर एवरी यूथ आउट देयर, एवरी इंडियन आउट देयर, कि बी प्राउड ऑफ वेयर यू बिलोंग। हम इस कंट्री से हैं जिसमें कल्चर की कमी नहीं है, व्हाई आर वी नॉट सुपर प्राउड ऑफ दैट? एवरी अदर डांस फॉर्म इज फैंटास्टिक, आई एम नॉट अगेंस्ट वेस्टर्न डांसिंग एट ऑल, हर चीज़ डांसर को करनी चाहिए, जो जिसमें खुशी मिले वो करनी चाहिए, बट आई रियली स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो हमारी यूथ है, प्लीज लुक मोर टूवर्ड्स वॉट वी आर एंड स्टॉप एपिंग द वेस्ट, बिकॉज जो हमारे पास है वो हम ही बेस्ट कर सकते हैं। सो वाई नॉट बी इंडियन एंड बी प्राउडली इंडियन एंड प्रमोट आर कल्चर नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। मैं आपको मेरा एलए का एक्सपीरियंस बताती हूँ। हाँ, मैं ना अभी एलए गई थी पूरे वाइट टीम को सिखाने, अमेरिकन से सारे, उनकी यूनिवर्सिटी में मैंने दो इंडियन पीस बिठाए थे, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। मैंने तकरीबन 500 अमेरिकन्स को डांस सिखाया था। हाँ, यहाँ तो सब इंडियंस हैं, पर अगर आपको अमेरिकन को डांस सिखाना तो वो भी स्टोरी है मेरे पास। ओके, बट इंडियंस, सो इस फोक डिप्लोमा के लिए लोग सब जगह से आए हैं। हमारे पास लड़कियाँ बेल्जियम से, अमेरिका से, यूके से, कनाडा से, दुबई से, फिर इंडिया में बैंगलोर से, चेन्नई से, हैदराबाद से, गोरेगांव से, सब जगह से लड़कियाँ यहाँ आई हैं। वी हैव वन बॉय ऑल्सो हुज कम ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम टू लर्न, बट दीज आर ऑल इंडियंस ट्राइंग टू लर्न आवर कल्चर, और आज उनकी विशारद एग्जाम है। अभी आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे आपके? ओके, आने वाले प्रोजेक्ट्स में टू स्टार्ट ऑफ विथ, आज एग्जाम है, हमने जस्ट लास्ट वीक 600 पार्टिसिपेंट्स, 2000 ऑडियंस के 3 शो किए इन मुंबई एट बाल गांधर्व रंग मंदिर। 8 तारीख को, जनवरी को, वी आर परफॉर्मिंग एट NCPA। 3 मार्च को वी आर गोइंग टू अग्रीजन टू इटली टू रिप्रेजेंट इंडिया इन येट अनदर इंटरनेशनल फोक डांस फेस्टिवल। सो या 2023 इज लुकिंग वेरी गुड। आई टोल्ड दैट। हाँ, अच्छा, अभी हाल ही में आई वॉज इन्वाइटेड टू द BYU यूनिवर्सिटी, सॉल्ट लेक सिटी, अमेरिका। वहाँ पे दे गिव मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच देयर 18 टू इंडियन पीसेस। वहाँ मैंने 13 ताली सिखाया और अ वेरी क्रिएटिव पीस ऑन लॉर्ड गणेशा, उनका परफॉर्मेंस हुआ था 2 दिसंबर को, जो फुल हाउस ऑफ 10,000 पीपल, एंड ये पर्टिकुलर इवेंट वॉज क्लोज बाय अवर इंडियन पीस। आज हम 13 ताले का एग्ज़ाम ले रहे हैं, और कल बेलिया का, और छेराव फोक डांस। हम 1 साल से सीख रहे हैं वैशाली मैम से, एंड इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, स्पेशली बीइंग इन कोविड। I discovered her during COVID, even 1 year before that, and it's been a blessing, a total blessing to learn from her. Hindi mein bolu kya? Hum 1 saal se seekh rahe hain Vishali ma'am se, aur bahut maza aaya, unhone bahut pyar se sikhaya. 2 saal se main total seekh rahi hu Visharat se pehle bhi, aur bahut hi acche teacher hain, aur hum bahut blessed feel karte hain ki aaj hum yahan pe hain. आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बाहर कंट्री में, कुछ बताइए कैसी रही आप लोग की जर्नी मुंबई के साथ? स्टार्ट करिए आप। सो मैं दुबई से हूँ, और मैम के साथ हमने लास्ट ईयर कोविड टाइम्स में, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि मैम ने ये बैच शुरू किया था, एंड ऑनलाइन जो मैम ने हमें टाइम दिया है, वी आर लाइक 53 हम लोग स्टूडेंट्स हैं मैम एक साथ, जो हम लोग को देखते हैं उनको ऑनलाइन भी पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। शी वुड पिक अस आवर मिस्टेक लाइक दैट, और वो इतना टाइम स्पेंड करके
एवरी वीकेंड आई थिंक 2 hours हमारी हर सैटरडे हमारी ईच सो 4 घंटे हमारे वीकेंड्स पे हमारी क्लासेस होती थी एंड वी आर प्रिविलेज कि बाय द एंड ऑफ दिस हम लोग सब एक साथ यहाँ पे आ रहे एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं और हम ये जो फोक कल्चर है वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगे. मैं दुबई से हूँ लाइक दैट शी इज़ फ्रॉम यूके. आई एम फ्रॉम यूके. एक्चुअली मैम ने जब ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किया था कभी सोचा नहीं था कि इतना ईजिली मैम ईजिली हम सीख भी सकते हैं, पर मैम ने तो प्रोग्राम इतना ईजी वे में और इतना कन्वीनियंटली सिखाया कि हमें ये हम ईजिली कर पाते हैं. और अभी हम यहाँ पर आए हैं अभी विशारद के लिए, तो इट्स लाइक वी आर गोइंग टू प्रेजेंट आवर कंट्री इन यूके. सो मेरा नाम आकांक्षा है, मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहती हूँ. मैं बहुत ही लकीली यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली एक कोर्स नहीं किया पूरे साल का, लेकिन वैशाली मैम एलए आए थे और उन्होंने सितंबर में वर्कशॉप्स करी थी लॉस एंजलिस में जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस था और हमारी वहाँ पे दोस्ती हुई तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया. और यहाँ आके मैं इतना कुछ सीख रही हूँ उनसे और जिस तरीके से वो सिखा रही हैं फोक डांस को एक बहुत ही एनर्जी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों में दोस्तियाँ हो रही हैं और हम एक दूसरे से मिलेंगे, आगे भी सीखते रहेंगे और आगे बच्चों को भी सिखाएंगे. तो बहुत ही खुश हूँ मैं यहाँ पे. माय नेम इज़ अलीरा, आई एम फ्रॉम कनाडा. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी दैट आई गॉट टू बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स एंड आई वुड लव टू टेक इट टू कनाडा एंड स्टार्ट टीचिंग स्टूडेंट्स ओवर देयर. इट्स बीन अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम वैशाली मैम एंड आई डोंट थिंक आई कुड हैव एवर गॉट सच एन एक्सपीरियंस लाइक दिस. माय नेम इज़ स्वप्निल, आई लिव इन केंट Belgium, but I'm originally from India as well, and I've already been teaching dance but never learned folk dance until now. So I was really excited when she announced this course to join and learn all these different folk dances that come from different parts of the country, something that you can't learn that easily. So also super excited to meet people from all over the world and finally come together in Mumbai and celebrate what we've been doing online for the longest time. Ma'am has given us the opportunity to meet so many people from so many places. हम लोग सब पहली बार मिल रहे हैं एक दूसरे से, पर ऐसा ऐसा फीलिंग नहीं आया कि हम पहली बार मिल रहे हैं. प्राउड फील कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के जा रहे हैं अपनी कंट्री. बहुत मैम ने हमें एम्पावर किया. मैम वैशाली मैम, सुमित्रा मिस, प्रशांत सर, वो हमें एम्पावर कर रहे हैं कि हम ये नॉलेज अपनी कंट्रीज में जाके आगे स्टूडेंट्स को दें और उनको भी टीचर्स बनाएं. सो इट्स अ ब्लेसिंग एंड इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मैम के इन पर्सन मैम से सीखना इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस. और ये एक जो फोक है इंडिया का रियल फोक जो मैम सिखा रही है, इट इज़ लाइक अ फॉरगॉटन कल्चर एंड वी आर रियली प्राउड एंड ब्लेस्ड टू लर्न दैट फ्रॉम हर और वो हम आगे लेके जाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे. सो यस, थैंक यू.
जो देखा था ना, मतलब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम, उससे मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। मेहनत दिख रही है। मुझे लगता है वही वजह है अभी ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। आके पूछते हिप हॉप है या वेस्टर्न है, अभी मैंने बाहर बात है, फोक की तरफ कोई आता नहीं है ज़्यादा, उनको पकड़ के रखना पड़ता है, थोड़ा सीखो फिर अगर नहीं पसंद आए तो जाओ, तो कुछ सीखते हैं उठते हैं कुछ निकल जाते हैं, ज़्यादा मेहनत होती है इस वजह से, तो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ना चाहिए इसमें। आप लोग जो मतलब अभी देखा जाए तो फोक सीखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, आप लोग के साथ और जुड़े लोग। Yes sir. So please tell the media that. Yes sir. Please please. This is our Indian culture. तो ये Indian culture सब पकड़ के रखें। Sir, you want to say that on the thing? भारतीय भारतीय संस्कृति में लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सबका बहुत महत्व है, और जितने भी गाने डांस जो है वो ये लोक नृत्य से प्रेरित होते हैं। जब हम लोग आज लोक नृत्य की बात कर रहे हैं तो ये हमारी संस्कृति और परंपरा है कि हर एक पूरा भारत दर्शन करना हो तो आप एक जगह मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम नहीं सकते, लेकिन वैशाली सागर की जैसे इंस्टीट्यूशन है तो उसमें आपको 3 या 4 साल में या 7 साल का कोर्स है, उसमें आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पूरा भारत दर्शन हो जाता है। यानी आपको आसाम जाने की ज़रूरत नहीं है, कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है, गरबा, राजस्थान, जितने डांस हैं, जितने लोक नृत्य हैं, आपको यहाँ सीखने मिलते हैं। और हमारा यही एक मकसद है कि जितने बच्चे आजकल पश्चिमात्य नृत्य की तरफ जा रहे हैं वो लोग वो भी सीखने का कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे लोक नृत्य इतने सुंदर है, उसकी इतनी स्किल है, ट्रेनिंग है, वो जरूर सीखे। वो लोग जहाँ पे भी रहते हो, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे सीखे, लेकिन भारतीय परंपरा है लोक नृत्य की, उसको एक आगे अपना प्रिजर्व करके आगे बढ़े। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि नृत्यम संस्कृति संवर्धनम, अर्थात नृत्य द्वारा संस्कृति की रक्षा, जो हमारे भारत के बच्चे ये सब अलग अलग कोने से आए वो कर रहे हैं। तो वैशाली सागर की इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे ये लोग ऑनलाइन सीख के आज इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, दूसरे लोग अपने अपने घर के पास जहाँ भी उनको सुविधा हो वहाँ सीख सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जरूर सबने सीखना चाहिए। अपनी इंडियन संस्कृति सभ्यता और फोक की रही बात है, सब भूल जा रही जो यूथ है उनको जिंदा रखने के लिए मतलब कुछ मैसेज जिस तरह से वैशाली में आगे आए सर आप। इसलिए मैंने कहा ना कि हमारे जैसे अभी हम ये लोग को बचपन से मैं जानती हूँ,
बचपन से ये लोग नृत्य में इतना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों को सिर्फ पहले सीखे, सीखने के बाद उनको लगे कि मुझे अभी इसमें आगे बढ़ना है, और ये आगे जाके टीचिंग प्रोफेशन भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना शौक के लिए हम लोग सीखते हैं, शौक को पालने के बाद अगर वो अपना प्रोफेशन बनता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी सर को बहुत शौक था, बचपन से कर रहे थे, आगे जाके उनको लगा कि मैं और कहीं जाऊँ तो इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा तो ये मेरा टॉनिक है, ऐसा करके अभी तक वो सिखा रहे और वे आगे सिखाते रहेंगे। तो ये एक प्रेरणा भी है कि आपका प्रोफेशन भी बन सकता है और आपको आगे जाके उसमें आय का जो इनकम का जो सोर्स है वो भी पूरा हो सकता है आपका, क्योंकि आजकल लोग को आप सिखाओ अच्छा सब लोग तैयार हो जाते हैं। सर आप बताइए, आपका रिजल्ट आज सामने भी आया, कहाँ से इनकी मतलब छोटा बचपन से आप ग्रो भी रहे हैं कुछ बताइए। एक्चुअली मैं तो कॉलेज में जब से सीख रहा था तब से मैंने शुरू किया सिखाने, और कब वो टाइम पे कैसा हम लोग के पास भी कोरियोग्राफर्स वगैरह नहीं होते थे, तो हम हमारा बिठा के करते थे यूथ फेस्टिवल। क्या होता है आजकल यूट्यूब और ये सब अवेलेबल है, और काफ़ी कोरियोग्राफर्स क्या करते हैं कि यूट्यूब से वगैरह लेके बिठा देते, लेकिन वैशाली को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है ये पेंडेमिक में, वो हिमाचल गई, राजस्थान गई, वहाँ से वो उसने सीखे वहाँ के, और काफ़ी आई थिंक और भी कई जगह पे विजिट किया उसने, और वहाँ से सीख, ऐसा नहीं कि यूट्यूब से वगैरह सीखे, एक्चुअल वहाँ पे प्लेसेस में जाके सीख के आई और यहाँ पे बच्चों को सिखा। हमारे पीरियड में हम लोग भी जाते थे, झारखंड गए, सरायकेला गए, साउथ में गए, हिमाचल में गए, वैसे ही वो वहाँ पे जाके सीख के आई और यहाँ पे बच्चों को सिखा दी, जो ओरिजिनल है वहाँ की ऑथेंटिसिटी है, वहाँ के कॉस्ट्यूम्स बोलिए, स्टेप्स बोलिए, वो खुद सीख के आई और यहाँ पे इवन सिर्फ डांस सीख के फ़ायदा नहीं, उनके कॉस्ट्यूम कैसे पहने जाते वो भी सीखा हुआ है, सिखाती भी है बच्चों को ऑनलाइन में, उससे किस तरह कितना डिसिप्लिन है, ये डेडिकेशन होता है, ये डेडिकेशन सीखना बहुत जरूरी है। वैशाली मैम आप खुद जाके प्रैक्टिकल स्टेट बाय कल्चर देखा सीखा, फिर आके मतलब प्रैक्टिकल मतलब लाइव कितना हो रहा हार्ड वर्क रहा चैलेंज रहा, ये तो इंस्पिरेशन है जो सर से और मिस से मिलती है, तो अगर इंस्पिरेशन है तो फिर भूख है सीखने की, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, बस आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम तो देना ही है। आज की यूथ जो है ये सब अपनी कल्चर अपनी संस्कृति जो फॉर्म डांस ये सब तो वेस्टर्न में भूल जा रहे हैं, वेस्टर्न जब से आ गया तो इसके लिए कुछ बताइए मतलब क्या मैसेज होगा। पर ये जो लड़कियाँ पूरे इंडिया से इंडिया के बाहर से भी जो सीख रही है वही चीज़ बता रही है कि ये चीज़ अभी भी चालू ही है, मतलब ये एक हमारा पहला कदम है, कलांजय का इनका पहला कदम है कि बाहर की लड़कियां जिनको नहीं यहाँ बम्बई में आके सीख सकती है, तो भी ये हमारा पहला कदम था कि सब लड़कियों को